फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पिछले महीने मिर्जापुर जिले के एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी परोसने का एक मामला सामने आया, जिसमें पूरे एक महीने के बाद एक नया मोड़ आ गया है। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने बच्चों का वीडियो बनाने वाले स्थानीय पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवा लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि जर्नलिस्ट पवन जायसवाल के खिलाफ साजिश करने के तहत FIR दर्ज की गई है। FIR में पत्रकार के खिलाफ ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के साथ मिलकर साजिशन नमक रोटी खाने का वीडियो बनाने का आरोप लगा है। पुलिस ने पत्रकार पवन जायसवाल और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार पाल व अन्य अज्ञात के खिलाफ IPC की कई धारा में केस दर्ज किए हैं। गौरतलब है कि पत्रकार ने ही मिर्जापुर के प्राइमरी स्कूल में बच्चों के नमक रोटी खाते हुए वीडियो बनाया था। बाद में वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की थी। इस मामले में स्कूल के शिक्षक व खंड शिक्षक अधिकारी समेत कई पर गाज करी थी, लेकिन अब पुलिस पत्रकार के खिलाफ की गई इस कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। पिछले दिनों थाने में बारिश के पानी से हुए कीचड़ को बच्चों द्वारा साफ कराए जाने की तस्वीर भी सामने आई थी। इस मामले में फोटोग्राफर के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है। स्पेशल रिपोर्ट।